कैसे हो आप? अच्छे हो ना? चलो आज हम कक्षा 3 में चैप्टर 4 मैंने आपको करवाया था, देखिए यहाँ पे कक्षा 3 चैप्टर 4 यंग वंस यानी बच्चे। ओके, ये मैंने आपको स्पेलिंग लिखवाए थे और याद भी करवाए थे, तो आपने उन स्पेलिंगों को याद करना है घर पे। चलो अब हम लिखेंगे पेज नंबर 14 ये वाला वाक्य में प्रयोग करना है और एंड लगाना है। क्या लगाना है? एंड। तो पहला जो दिया हमें एग्जांपल दिया है, ये दिया है एग्जांपल। अब लिखेंगे हम सेकंड नंबर एकाउंट। देखिए यहाँ पे दो लाइन को जोड़ के आना चाहिए, एकाउंट सीओडब्ल्यू काउंट ऐसे बोलना है, काउंट एंड दो लाइन को जोड़ के अक्षर काल, काउ का बच्चा काल। अब ये कब आएगा आपको? आपको स्पेलिंग याद होंगे तो ओके, तो आपको स्पेलिंग याद नहीं होंगे तो आपको स्पेलिंग याद करनी है पहले। ओके, ए पिंक या जी पिंक बोलना है, ऐसे बोल बोल के लिखना है, ए पिंक एंड ए एंड डी एंड पिगलेट पी आई जी पी आई जी पिग और ये ले। पी आई जी आई पिगलेट ले। अब यहाँ पे कितना सरल है, देखो पी आई जी तो याद ही हो गया आपको, तो यहाँ पे पी आई जी एलईडी लिट इतना याद करना है। पिगलेट यानी पिग यानी सुअर, पिगलेट यानी सुअर का बच्चा। अब एवियन चित्र पे देख लेना आपने बराबर से, हैं कौन सी लाइन को जोड़ के मैं स्पेलिंग लिख रही हूँ वो भी ध्यान रखना है आपने, तीन लाइन में जोड़ के है या दो लाइन में जोड़ के है। एवियन एंड देखिए ऐसे हेन के बच्चे को क्या कहेंगे हम? सबको स्पेलिंग सही से दिख रहा है? चिकन, सी एच आई सी के एन। देखिए अक्षर एकदम दो लाइन को जोड़ के सुंदर, और नीचे ऊपर कहीं नहीं, ये दो लाइन को जोड़ के आता है छोटा वाला, एकदम ध्यान रखना। ए लायन, एल आई ओ एन लायन। मैंने इसीलिए यहां पर चार लाइन लिखी है क्योंकि आप गलत नहीं लिखो। ए एन डी एन लायन का बच्चा क्या है? कब सी यू बी कब। ओके, अब है डक, ए डी यू सी डी यू सी के डक। दिख रहा है आपको सबको स्पेलिंग सही से? डी यू सी के डक एंड ए एंड डी एंड डकलिंग। अब डकलिंग समझगा कि यहाँ पे एक घंटा मैं यहाँ पे बैठा देती हूँ।
ये हमारा लिखना हो गया भाई, इसमें हमारी गलती हो गई। हमने ये जो लिखा है इसमें एक हमने क्या नहीं लिखा है, तो सबके पहले ए लिखना है। चलो हम अपने वापस बोलते हैं और लिखते हैं, ए डॉग एंड ए पपी। बोलो ए डॉग एंड ए पपी, ए काऊ एंड ए कार, ए काऊ एंड ए अलग है, देख लेना है। तो आपको समझाने के लिए मैं उसके नीचे अंडरलाइन करती हूँ, तो आपको समझ में आएगा। ओके, ए पिग एंड ए पिलिट, ए पिग एंड ए पिलिट, ए हेन एंड ए चिक, चिकन, ए हेन एंड ए चिकन, ए लायन एंड ए कॉक, ए कॉक, ए डक एंड ए डकली, ए हॉर्स एंड ए फॉल, ए कैट एंड ए किटन, ए गोट एंड ए किड, ए शिप एंड ए लैम। ओके, अब आप सबको क्या करना है कि इस तरह से इसे नोट में लिखना है, स्पेलिंग याद करने हैं, समझना है। ओके, आपको कहीं पे मेरे अक्षर गलत लग रहे हैं क्या? ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे साइड में खड़ी हूँ, आप देख लीजिए अच्छे से, टू लाइन को जोड़ के अक्षर है तो वो टू लाइन को जोड़ के आपका आना चाहिए। एकदम परफेक्शन के साथ लिखना है। जिसको लिखना नहीं आता या समझ में नहीं आता, उन्होंने मेरे पास स्कूल में आना है पूछने के लिए, तो मैं उनको समझाऊंगी। ओके बच्चों, तो ये था हमारा किताब में पेज नंबर 14 यानी 14 पेज नंबर वाला, ये मैंने यहाँ पे किया है। इसको आपको देख के नहीं लिखना है, इसको आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है। उसके पेज की तो मैं पीडीएफ आपको भेजूंगी, तो आप उसमें से देख के भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। बाय बच्चों।